हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं Vivo Y75 4G मोबाइल में ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप अपने मोबाइल के दोस्तों सेटिंग को ओपन कर लीजिए। मोबाइल की सेटिंग ओपन होने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखेगा, सिक्योरिटी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जस्ट थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, प्राइवेसी ऐप इनक्रिप्शन का दोस्तों ऑप्शन आएगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपने प्राइवेसी पासवर्ड बनाया है ऐप लॉक करते समय, तो वो दोस्तों आप अपना डाल दीजिए। अगर नहीं आपने बनाया है तो आप यहाँ से बना लीजिए। तो मैंने बना कर रखा है, मैंने डाल दिया। डालने के बाद अगर फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं तो टर्न ऑन करेंगे, नहीं तो अभी तक आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें ऐप इंक्रिप्शन का ऑप्शन मिला, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर सारी ऐप आ जाएंगी। तो दोस्तों, जिस ऐप में आपको फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है वो ऐप आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं क्रोम ब्राउजर को सिलेक्ट कर लेता हूं और गूगल ड्राइव को सिलेक्ट कर लेता हूं और फेसबुक को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो ये तीन ऐप मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं बैक आ जाता हूं, एक बार और बैक आ जाएंगे। यहां पर दोस्तों देखिए, फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, फिंगरप्रिंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, जो स्क्रीन लॉक आपके मोबाइल में पड़ा है वो दोस्तों आप डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ से अगर आपने फिंगरप्रिंट लगा कर रखा है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर आपने नहीं लगाया तो ऐड फिंगरप्रिंट पर क्लिक करके आप फिंगरप्रिंट पहले आप अपने मोबाइल में लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर प्राइवेसी ऐप इंक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, इस टिक को इनेबल करेंगे। उसके बाद दोस्तों, जो प्राइवेसी पासवर्ड आपने बना के रखा है वो दोस्तों एक बार यहाँ से कन्फर्म कर देंगे। बस दोस्तों, ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से ऐप मैंने ओपन किया। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, फिंगरप्रिंट मांग रहा है। जैसे ही दोस्तों मैं फिंगर लगाऊंगा तो दोस्तों ये ऐप ओपन हो जाएगी।